हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे कि मैं इन मेडिसिन के बॉक्सेस के बीच में बैठा हूं, तो ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से हमारा मेडिसिन का जो है पैक जो है बनता है। दिखाने का मकसद यह है कि कुछ लोगों को ट्रस्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाए, इसलिए भी मैं कर रहा हूँ। और कुछ लोगों की क्यूरी भी रहती है और कुछ लोगों के डाउट्स भी रहते हैं कि आफ्टर द पेमेंट हमें मेडिसिन रिसीव होगी भी या नहीं होगी। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम का होता है, आफ्टर द सेकेंड टाइम उनको सब पता में आते हैं। हालांकि अगर मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ तो इसका मतलब है कि ट्रस्टेबल होता है, खास तौर से तब जबकि आपको बहुत सारे पेशेंटों का जो है रिकॉर्ड जो है आपको वहां पे ऑडियो या वीडियो फॉर्म में मिल जाता है, जो लोग हमसे ट्रीटमेंट लिए हैं और ठीक हुए हैं। एक चीज और जो अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या फिस्टुला जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है, तो इसका आंसर मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे ठीक हुए पेशेंटों का ऑडियो या वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से आपको उतना ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप नहीं होगा जितना कि आप लाइव प्रूफ देखकर और एमआरआई वगैरह जिनकी प्री हुई है उनकी देख करके और 3.5 इंच का जो सॉरी 3.5 mm का सेंटीमीटर का जो ट्रैक था फिस्टुला का, रिसेंटली अभी जो उनका फीडबैक मैंने जो है व्हाट्सएप से लेकर अपलोड किया है, विद इन अ मंथ एक प्रूफ होता है कि डेफिनेटली फिस्टुला कैन बी क्योर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन बट एलॉन्ग विद द डाइट एंड प्रॉपर गाइडेंस। जो लोग ये समझते हैं सिर्फ नेट पे अवेलेबल मेडिसिन को लेकर हम ठीक हो जाएंगे, तो ये हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली कॉम्प्लेक्स केसेस में जो है और सीवियर कंडीशंस में या ऑपरेशन जिन्होंने करा लिया है, वर्स कंडीशंस होती है जिनकी जो है और जिनको मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मेडिसिन आल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉट ओनली द फिस्टुला ऑल काइंड ऑफ द डिसीज। अगर फूड एज ए मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गुड डॉक्टर और एक्सपर्ट डॉक्टर के, तो डेफिनेटली आपको उस डिसीज में आपको बहुत ही ज्यादा यानी कि जो है एक तरह से कहेंगे कि क्विक रिस्पांस भी आपको मिल सकता है और बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट आए जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत दिनों से या तो ले रहे थे या लेते आए थे उस वक्त करंट में भी, फिर उनको एक कंफ्यूजन होता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मेडिसिन एंड व्हाट वी आर टेकिंग। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ डॉक्टर्स की कुछ फील्ड में या कुछ डिसीज पे एक्सपर्टीज होती है, जैसे हम बात करें हार्ट स्पेशलिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है तो ब्रेन के लिए है, कार्डियक है जैसे हार्ट के लिए है, गैस्ट्रो वाले जो है पेट के लिए होते हैं, उसी तरह से कुछ स्पेसिफिक डिसीज के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स की पकड़ होती है, ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं उनके पैक उन मेडिसिंस जो है। तो मैं कहूंगा उस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे उस डॉक्टर से तो डेफिनेटली आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए दी गई मेडिसिन से कुछ लोग ठीक हुए, बाद में ठीक होने के बाद उन्होंने ऑडियो वीडियो फॉर्म में अपने फीडबैक मुझे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हो गया, मींस कि अच्छी खासे लोगों तक उसकी जो है रीच हो गई, उससे मुझे काफी क्यूरीज आई और डे बाय डे जो है ये रीच बढ़ती चले गई और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे मैं कोशिश करता हूँ जिन लोगों का ठीक हो जाता है उनकी ऑडियो ऑफ या वीडियो फॉर्म में मैं उनका फीडबैक लेकर आप तक पहुंचाता हूँ, ताकि लेटेस्ट ठीक हुए पेशेंटों का भी टेस्टिमोनियल आप तक पहुंचता रहे। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इसका हुआ है, कुछ लोग पूछते हैं और कहते हैं सर अभी जल्दी रिसेंटली में कौन पेशेंट ठीक हुआ उसका जो है टेस्टिमोनियल दीजिए और अपलोड कीजिए। एक सवाल आपका और भी रहता है कि सर हमें नंबर दे दीजिए, तो बिल्कुल गलत सवाल है, मत करें ऐसा, हम बिल्कुल नहीं देंगे, हमने इससे पहले दिया है लोगों को और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बाद में पेशेंट ने रिक्वेस्ट किया सर किसको नंबर दे दिए। अच्छा, पेशेंट ठीक होता है हमारी डाइट से, दूसरा पेशेंट कहता है सर आप उनका नंबर हमें दे दो, हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या क्या डाइट फॉलो किए, ये किस तरह का आपका क्वेश्चन रहता है। वो पेशेंट जो ठीक हुआ वो तो आपसे नहीं पूछा था किस तरह से डाइट फॉलो करना, उसने तो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हमारी दी गई डाइट को फॉलो किया अच्छे से और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने के बाद अपना फीडबैक दिया। अब आप उसके पीछे पड़े रहते हैं कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर, हम उससे बात करेंगे या हमसे उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दीजिए, तो व्हाट काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं एक डॉक्टर होकर यही काम करने बैठा हूँ, आप जरा सोचिए ना, जबकि मेरी फीस 500 है 15 मिनट टू 30 मिनट्स की, तो क्या मेरे पास यही काम बचा है? आप या किसी आप ऐसे सर्जन से जाके इस तरह से सवाल कर सकते हैं या करते हैं कि आपने अब तक कितने पेशेंटों का ठीक किया, जरा प्लीज गिव मी द नंबर, आई वुड लाइक टू कंफर्म बिफोर प्रोसीड योर ट्रीटमेंट, फिर आपको केबिन से बाहर कर देगा।
ठीक है। बीइंग ए डॉक्टर, एवरी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पेशेंटों को अच्छे से ट्रीट करे, अपना 110% मैं कहूंगा जितना वो हो सकता है दे, लेकिन ये बीइंग ए पेशेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर डॉक्टर पुराना है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें कि वो अब तक कितने पेशेंटों को ठीक किया है, क्या कुछ एविडेंस अवेलेबल है, तो आप उनसे वो कह सकते हैं सर कुछ अगर टेस्टिमोनियल है तो ठीक है। हालांकि आप जाके हॉस्पिटल में कभी नहीं मांगते, ऑनलाइन आप सबका देखते हैं, देखना भी चाहिए क्योंकि आप दूर बैठे हैं, जबकि फिजिकल में आप लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है बिकॉज यू नो और अवेयर होते हैं कि हाँ इस लोकल में जो कौन सा डॉक्टर अच्छा ट्रेंडिंग वो किस डिसीज के लिए है। तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, बल्कि उनके जो है गूगल पे अगर कुछ रिव्यूज हैं या यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनके कमेंट को चेक करें या उनकी वीडियो के ऑथेंटिसिटी के बारे में देखें कि हाँ जेन्युइन लग रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं पेड प्रमोशन चल रहा हो, पेड ऑडियंस हो, पेड वो है सारी। दूसरा एक चीज और होती है, हमारे यहाँ कोई 3 से 6 महीने का, मैं नहीं कहता कि यू हैव टू बाउंड विद दिस पैक, नो, मैं क्लियरली कहता हूं कि प्लीज ट्राई आवर मेडिसिन पैक फॉर 1 month। अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली आई एम गेटिंग द गुड रिजल्ट, प्रोग्रेसिव रिजल्ट मुझे मिल रहा है इनकी दी गई मेडिसिन से, तब आप 2 महीने 3 महीने जो एक्सपेक्टेड टाइम है कहते हैं, कभी कभी किसी का कम या ज्यादा हो सकता है, रिमेंबर दिस थिंग। कुछ लोग कहते हैं सर आपने 3 महीने बोला था लेकिन अभी हमारा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तो ठीक तो हुआ ना जितना भी होना था। अब आगे अगर आपका कॉम्प्लेक्स है या आपका क्रिटिकल केसेस है, ट्रैक लंबा है, आपकी इम्यूनिटी लेवल लो है, हीलिंग पावर में कमी हो रही, कहीं कि आपका खान पान कुछ डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ स्टाइल हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, या आपकी मेडिसिन का आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन वैसा ना हो पा रहा हो जैसा दूसरों के साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिजल्ट तो मिल रहा है आपको ना, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। हम कम से कम आपको ऑपरेशन से तो बचा रहे ना, इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर एक डॉक्टर ट्रिप टाइम ले रहा है और मेडिसिन से हमें ट्रीट कर रहा है, हमें ऑपरेशन से बचा रहा है, हमें चीड़ फाड़ से बचा रहा है, हमें ना तो उस फोड़े को, एब्सेस को या फिस्टुला ट्रैक को आपको ना तो प्रेस करना पड़ता है, ना तो उसको ड्रेन करना पड़ता है, ना उसमें आपको ज्यादा मरहम पट्टी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ स्प्रे देते हैं, क्रीम देते हैं, आप उसको यूज करो, लगाओ, अगर किसी को जरूरत हो, अगर किसी का ब्लाइंड रहता है वो भी नहीं देते हैं, अगर एक्सटर्नल ओपनिंग है तभी हम देते हैं हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए। बहरहाल वो सब इतने इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, फिर भी इसके पहुंचने के बाद हम इन डिटेल्स जो है उसको समझाते हैं, और साथ ही साथ एक हमारा रिकॉर्डेड वीडियो भी आप तक पहुंचता है, 23 मिनट 45 सेकंड का रिकॉर्डेड रहता है, जिसमें खाने पीने के रिगार्डिंग आपकी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, यानी इवनिंग सॉरी टिल एट बेड तक आपके जो है उसमें सारा डिटेल्स है, कब कितना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम, सब कुछ, एवरीथिंग इन डिटेल्स, उस जो है एक तरह से कहें कि हमने उसको उसमें जो है एक कॉम्पैक्ट की तरह से कर दिया है, उसको जो है उसी में सब समराइज कर दिया है, ताकि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, उसके अकॉर्डिंग हो, आपकी बॉडी का सर्केडियन क्लॉक ऑन हो जाए, आपकी बॉडी होम्योस्टेटिक कंडीशन पे आ जाए, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क करे, ताकि आपकी बॉडी की कॉम्प्लिकेशन नॉट ओनली द फिस्टुला, आपकी बॉडी के अंदर जो भी कोई कमी हो अच्छे से फुलफिल हो सके और आपकी हेल्दी बॉडी बन सके हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन से। बिकॉज हमारी बॉडी बीइंग ए जो ह्यूमन, हमारी बॉडी इटसेल्फ एक डॉक्टर है, अगर ये सही से वर्क करेगी तो नॉट ओनली द फिशुला, आपकी बॉडी के अंदर जहां भी जो भी किसी भी तरह की कोई भी कमी होगी, कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, फटीग होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, ये सब में हमारी मेडिसिन काम करती है। वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिसीज, वी आर ट्रीटिंग यू, योर बॉडी, बॉडी माइंड एंड सोल, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर आप इसको लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, और यही वजह है कि आप सिर्फ मेडिसिन ले लेते हैं, फिर आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका मूड क्या है, आपकी डाइट क्या है, आपका फूड क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसे डॉक्टर अच्छे से अगर इवेल्यूएट नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली एंड 100% कुछ दिनों के बाद आपकी मेडिसिन जो है वो वर्क करना छोड़ देगी या फेल हो जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, ये पैक फॉर्म है जो कि डिस्पैच होने को है, जिन्होंने ऑर्डर बुक किया इसके देखेंगे वे बिल लगा हुआ है सब पे जो है, तो ये सब जो है वे बिल वाली है, यानी कि ये रेडी टू डिस्पैच, यानी पेशेंट को जाने वाली है, ये अंडर द प्रोसेस मीन्स अभी इनमें वे बिल लगेगा, फिर पेशेंट्स को ये मेडिसिन जो है डिस्पैच बाई कुरियर जाती हैं, और कुरियर का लिंक जो है वो हम आपको जो है आपके व्हाट्सएप चैट में प्रोवाइड कर देते हैं।